आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पनीर की चार बहुत ही शानदार सब्जियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी लाइन से काफी त्योहार आने वाले हैं, तो उस समय हम कुछ डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करते हैं। तो इन त्योहारों के मौसम में आप इनमें से कोई भी एक रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, सभी एक से बढ़ के एक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिना प्याज लहसुन के है और इसको मैंने एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ बनाया है। जब आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बिना प्याज और लहसुन के जो हम पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट ये पनीर है। यहाँ पे ये लगभग मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर के अलावा हमें यहाँ पे जो चीजें लगेंगी वो भी देख लेते हैं। एक बड़े टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसका पेस्ट बनाना है और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। ये 2 चम्मच दही है, नमक से टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 चम्मच तेल है और ये 1/2 चम्मच मैंने शुद्ध देसी घी लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा सब्जी को। और ये केसरिया पनीर बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर को दूध में भिंगा के रखा है। 2 हरी मिर्चें हैं, यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसके अलावा एक मसाला पेस्ट बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए अपने को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और उसमें ये 10 से 12 काजू ऐड करेंगे। 1 चम्मच ये 4 मगज है वो ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया और ये 4 कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए है। और इसमें गर्म पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर देंगे, जिससे मसाले का पेस्ट जो है वो बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार हो। सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे, उसके लिए 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और अब ये पनीर के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। ये होममेड पनीर है और इनको हल्का सा फ्राई करना है, पनीर को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए पनीर में गोल्डन कोटिंग आ गई है, अब इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर को निकाल लिया है। मिक्सी के पॉट में ये मैंने अदरक, हरी मिर्च और टमाटर लिया है, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। अभी सेम पॉट में जो हमने ये मिक्सर भिंगा के रखा था, काजू, मगज और हरी मिर्च, धनिया, जीरा, इसको पीस लेंगे और इसको पीस के महीन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए पेस्ट हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया है। इस तरह से बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। हमारे दोनों पेस्ट रेडी हो गए। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अभी सेम पैन में जो बचा वाला तेल है वो ऐड कर देंगे, घी भी ऐड कर देंगे। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और उसमें ये थोड़ा सा जो हमने जीरा बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे। जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जीरा जो है वो हल्का सा क्रैकल हो गया है। अब इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो था वो ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। पेस्ट को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें जो हमने ये काजू मगज का पेस्ट बना के रखा है वो ऐड कर देंगे। और इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मसाले जो है वो भुन चुके हैं और इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसमें जो हमने दही लिया था वो ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रहने देंगे, जिससे कि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इस मसाले को ऑयल सेपरेट होने तक कुक कर लेंगे। इसमें जो ये हरी मिर्ची हमने ली थी वो भी ऐड कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन के बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इस ग्रेवी की जो खासियत है वो है इसका केसरिया फ्लेवर, इसलिए मैं इसमें न तो कोई गरम मसाला ऐड करूंगी, न धनिया की पत्ती और न ही कसूरी मेथी, क्योंकि उनका फ्लेवर जो है वही प्रोमिनेंट हो जाता है, तो इसलिए इसमें वो सारी चीज़ें मैं नहीं ऐड करूंगी। और अब इस स्टेज पे इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये मिक्सी का पॉट धोके मैंने थोड़ा सा पानी रखा है वो ऐड कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जितनी गाढ़ी या पतली आपको पसंद है। वैसे ये सारी सब्जियां जो है वो हल्की सी गाढ़ी ग्रेवी की ही अच्छी लगती हैं। लास्ट में इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो ये केसर वाला दूध वो ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा केसरिया फ्लेवर जो है इस ग्रेवी को आ जाएगा। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे, नमक हमने अभी तक नहीं ऐड किया है। और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे कि सारे मसालों का फ्लेवर और केसर का फ्लेवर पनीर के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब इसमें ये 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, जिससे कि
जो टमाटर और दही की एसिडिटी है वो बैलेंस हो जाएगा, सब्जी बिल्कुल मीठी नहीं होगी, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है वो डेवलप हो जाता है। एक मिनट के लिए इसको और कुक करेंगे। एक मिनट हो गया है, अब ये सब्जी जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। कलर देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। गैस को ऑफ कर देंगे और ये हमारा बिना प्याज लहसुन के केसरिया पनीर जो है वो बन के रेडी हो गया। और अब इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स एक बार आप जरूर इसे ट्राई करिए। हमारी जो दूसरी पनीर की रेसिपी है वो है नवाबी पनीर, जो कि बहुत ही रिच ग्रेवी के साथ बनाया जाता है। तो आप इसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे या मेहमानों के आने पे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। नवाबी पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगभग 300 ग्राम पनीर है। तड़के के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है उसमें ये दो तेजपत्ते हैं, आधा चम्मच जीरा है, 5-6 लौंग है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 हरी इलायची है, 1/4 चम्मच जावित्री है, इसको मैं डालते समय कूट के डालूंगी, और ये दो हरी मिर्चे हैं। इसके अलावा ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए ये उसमें ये प्याज का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक पीस लिया है। ये यहाँ पे काजू बादाम और खसखस का पेस्ट है जिसमें मैंने 2 चम्मच खसखस लिया है, 10 से 12 काजू लिया है और 10 से 12 ही बादाम लिया है, 3 चम्मच यहाँ पे दही लिया है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 2 चम्मच मैंने मलाई लिया है, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है। इसके अलावा हमें दूध चाहिए होगा ग्रेवी के लिए, ये नवाबी पनीर है तो इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, दूध से ही ग्रेवी को बनाएंगे। और ये मैंने केसर लिया है, केसर को मैंने दूध में भिंगा के रख दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा हमारे नवाबी पनीर को, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है। तो चलिए अभी हम अपने नवाबी पनीर को बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ये 2 चम्मच शुद्ध घी लिया है, इसकी जगह आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करना चाहते हो वो यूज कर लीजिए, या तो आप बटर यूज कर लीजिए, नवाबी पनीर है तो ये जनरली या तो शुद्ध घी में या तो इसको बटर में प्रिपेयर किया जाता है। अब घी गर्म हो गया है, इसमें ये तेजपत्ते ऐड कर देंगे, उसके बाद इसमें ये जीरा लौंग दालचीनी और इलायची वो भी ऐड कर देंगे, उसके बाद ये जावित्री को मैंने इसमें क्रश करके डाल दिया। अब प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये हमारा प्याज का पेस्ट भून गया है, अब इसमें ये अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी अदरक लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें काजू और ये बादाम का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेना है। अभी हमारा काजू बादाम का पेस्ट और सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, देखिए कैसे अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दिया है इन्होंने। अब इसमें ये हरी मिर्च और जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे। यहाँ हम लाल मिर्चों का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए उसकी जगह काली मिर्च और हरी मिर्च का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें जो ये हमने दही लिया था उसको अच्छे से फेंट लिया है और गैस को एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे और ये दही को ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि दही जो हमारी है वो फटे ना। एक बार मिक्स हो जाए उसके बाद फिर से गैस को ऑन कर देंगे, या तो आप गैस को स्लो करके भी दही को ऐड कर सकते हैं। दही जो है वो अच्छे से मसालों में मिक्स हो गया है, अब गैस को फिर से ऑन कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है और जो घी था वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे जो ये हमने दूध लिया था वो ऐड कर देंगे, जो केसर वाला दूध था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर और एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा ग्रेवी को। ग्रेवी में बॉयल आ गया है, अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। ग्रेवी से घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, अब इसमें जो हमने ये पनीर के पीसेस लिए थे वो ऐड कर देंगे। दो से तीन मिनट के लिए पनीर को इस ग्रेवी के साथ कुक होने देंगे। पनीर को मैंने थोड़ा सा ग्रेवी के साथ कुक कर लिया था, अब इसमें ये कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और ये जो हमने क्रीम लिया था वो ऐड कर देंगे। बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनके तैयार होगी ये। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा नवाबी पनीर बनके तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये नवाबी पनीर को मैंने डिश आउट कर लिया है, अब इसको थोड़े से केसर के धागों से गार्निश कर देंगे। इस नवाबी पनीर को हम रुमाली रोटी, नान, बटर नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो तीसरी पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है
पनीर लबाबदार जो कि काफी गाढ़ी ग्रेवी के साथ बनती है और ये भी खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। जी, पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले उसकी ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए मसाला बना लेते हैं। के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और अब उसमें ये डाल देंगे आधा ग्लास पानी। उसमें ऐड करेंगे ये दो मीडियम साइज के टोमेटो है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है वो ऐड कर देंगे, 5 से 6 कलियां लहसुन की हैं वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे 10 से 12 काजू मैंने लिए हैं वो भी ऐड कर देंगे, 2 तेज पत्ते हैं, ये 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है इसको भी ऐड कर देंगे। तेज पत्ते और दालचीनी का सिर्फ फ्लेवर लेना है, इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, फ्लेवर आने के बाद इसको निकाल देंगे और इसमें ये 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। अभी इसको ढक देंगे और टोमेटोज और काजू के सॉफ्ट होने तक इसको कुक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं टोमेटो और काजू जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे और इसमें जो ये तेज पत्ते और दालचीनी मैंने डाला था इनका फ्लेवर जो है जितना आना था आ गया है, इनको निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को छुड़ा दिया है, 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1 चम्मच बटर ऐड कर देंगे। आप इसको सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं या सिर्फ बटर में बना सकते हैं, ये आपके अपने चॉइस पे है। बटर जो है वो मेल्ट हो गया है, अभी इसमें ये 3 लौंग और 2 इलायची मैंने लिया है वो ऐड कर देंगे, सिर्फ इसका फ्लेवर आ जाए उसके बाद इसको निकाल लेंगे। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा फ्लेवर और आ जाए और इसमें ये 1 मैंने बड़े साइज का प्याज को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है और अब इन खड़े मसालों को निकाल लेंगे। प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। आप देख रहे होंगे प्याज जो है वो लाइट पिंक हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। मैं इसी स्टेज पे डालना प्रीफर करती हूँ क्योंकि इससे सारे मसालों में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें ये 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में 1/4 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला है और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है। किचन किंग मसाला ऐड करके देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे। हल्का सा इनको भून लेना है। सूखे मसाले थोड़े से भुन गए हैं, अब इसमें ये टमाटर काजू अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। मसालों को ढक देंगे जिससे कि वो अच्छे से कुक हो जाए और बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे से जले नहीं और जब तक ऑयल सेपरेट होगा तब तक इनको अच्छे से भून लेना है। अभी मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाले जो है वो भुन गए हैं, मसालों ने पैन को छोड़ दिया है और ये परफेक्ट टाइम है अब इसमें पानी ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के पॉट को धो के रख लिया है, लगभग 1/2 ग्लास पानी है ये मैं ऐड कर रही हूँ। अभी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है, इसमें 1/2 ग्लास पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इतनी गाढ़ी ग्रेवी रखी है मैंने और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ग्लास से 1 ग्लास पानी इसमें ऐड कर किया है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर लिया है वो ऐड कर देंगे, इससे हमें चीनी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक क्रीमी सा टेक्सचर भी आ जाएगा ग्रेवी को, क्योंकि हमने अगर टमाटर यूज़ किया है तो थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड करना जरूरी रहता है जिससे कि जो टमाटर की एसिडिटी है खटास है वो बैलेंस हो जाए। और इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पे ये पनीर को ग्रेट रख करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे। ये पनीर लबाबदार है तो इसकी ग्रेवी जो है एकदम गाढ़ी सी और क्रीमी टेक्सचर लिए रहती है। और अब ग्रेवी को एक बॉयल आने देंगे, चेक कर लेते हैं ग्रेवी को। ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अभी इसी स्टेज पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने अभी तक नहीं ऐड किया है। पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको स्क्वायर शेप पे कट कर लिया है। थोड़े से ग्रेटेड पनीर को और ऐड कर देंगे और मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच क्रीम लिया है वो भी ऐड कर देंगे। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी ढक्कन लगा देंगे और पनीर को 5 से 7 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे जिससे सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। पनीर को ग्रेवी के साथ कुक होते हुए 2 मिनट हो गया है। अब इसमें ये ऐड कर देंगे गरम मसाला, 1/4 चम्मच लिया है मैंने इसमें, और ये धनिया की पत्ती और इसको 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग सी पनीर लबाबदार जो है वो बन के रेडी हो गई है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी की अपने को चाहिए। अगर इसे आप गाढ़ी कर देंगे तो ठंडी होने के बाद एकदम ड्राई हो जाएगी। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप रोटी नॉन कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो लास्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पनीर मक्खनी की है। इसमें सबसे पहले हम मक्खनी ग्रेवी को तैयार करेंगे। तो मक्खनी ग्रेवी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 5-6 कली लहसुन का लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 लाल मिर्च है और ये मिर्च तीखी वाली नहीं है, सिर्फ इससे कलर आएगा, और 1 मीडियम साइज का प्याज है। इसके अलावा भी कुछ चीजें लगेंगी, मैं जैसे जैसे ऐड करते जाऊंगी आपको बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये टमाटर प्याज अदरक लहसुन इन सभी को कुक कर लेना है। 15 से 20 काजू है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। काजू से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इस ग्रेवी को।
और इन सारी चीजों को 15 से 20 मिनट कुक कर, हमने जो ये सारी चीजें रखी थी कुक होने के लिए, अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको पीस के पेस्ट बना लेंगे। पनीर मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें ये 2 चम्मच बटर ऐड कर देंगे। मक्खनी ग्रेवी है तो इसको मक्खन में ही बनाएंगे। इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे, आज को बिल्कुल लो रखेंगे नहीं तो बटर जो है वो जल जाएगा। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें ये खड़े मसाले, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची और ये 4 लौंग ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। बाद में सारे खड़े मसालों को निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि मुंह में आएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे इनका फ्लेवर बटर में आ जाएगा हम इन मसालों को निकाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करिए, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे ये कसूरी मेथी और ये गरम मसाला, और साथ में ऐड कर देंगे जो ये हमने पेस्ट बनाया है उसको भी ऐड कर देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कसूरी मेथी को इसमें क्रश करके मैंने ऐड किया है। अभी सारे मसालों को अच्छे से कुक होने देंगे। अब ये पॉट धो के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मसालों को 10 मिनट के लिए ढक के कुक कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो कुक हो गई है। अभी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और ये 1/2 टीस्पून जो है इसमें शुगर ऐड कर देंगे। और अब ये 3 चम्मच मैंने मलाई लिया है ये ऐड कर देंगे इसमें। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने फ्रेश पनीर लिया है वो ऐड कर देंगे, लगभग 200 ग्राम पनीर है ये, और इसको 2-3 मिनट और कुक होने देंगे जिससे कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, 3 मिनट हो गया है और ये हमारा जो है पनीर मखनी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको आप नान के साथ, कुलचा के साथ, प्लेन रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो छोटी सी घंटी आएगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।